दोनों नेता दोनों एमएलओ के इर्द गिर्द घूमने वाले, कॉमर्शियल बीजेपी वहाँ ठेकेदारी कर रही है। हिंदुस्तान जिंक गैर कानूनी काम बंद करें, बाव क्षेत्र में जो इन्होंने एनओसी दी है 3 हेक्टेयर की, वो तत्काल निरस्त हो। कांग्रेस का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि ठेके कांग्रेस के अंदर अंदर ही घूम रहे हैं, ठेके कांग्रेस के इन लोगों से जाके ठेके कांग्रेस के दूसरे लोगों तक चले गए हैं। बात बड़ों की इससे कुछ आ नहीं रहा है। अब ये मेरे को पिछले 3 महीने से गुमराह कर रहे हैं, रोज बुला रहे हैं। बीजेपी जब विपक्ष पर थी, दीप्ति माहेश्वरी जी जब धरने में बैठी, ट्रेनिंग का मैटर था उसी धरने में बैठी, तो आज क्या उनके आदमी को ठेके दे दिए, इसलिए ट्रेनिंग के मामले में वो नहीं बोल रही, इसका मतलब तो ये हो गया। तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसकी। फिर मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, और मेरे जो कार्यकाल का जो समय है, तो लोगों के सामने जो मैंने एग्रीमेंट किया था और जिनके विश्वास पे हमने एनओसी दी, वो एनओसी अगर मैंने दी है और उसके अगर अनुरूप काम नहीं हो पाया, तो मुझे भी तो लोगों को जवाब देना है। आप लोग ही घूम रहे हो ना, तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष दिखाई देते हैं, ना आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, ना कोई बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, बस ये ऐसा लग रहा है कि दरीबा रेल वगैरह की लड़ाई चलती है। 500 बीघा की लड़ाई है, तो ये तो 17 बीघा में इन्होंने टेस्ट किया है। ये जनता की लड़ाई तो कम है, खुद की लड़ाई ज़्यादा है। सरकार चली गई है तो अब इनको ज़्यादा वहाँ पूछा नहीं जा रहा है, थोड़ी प्रभाव कम पड़ गया है, तो अब अपने पूछ बनी रहे, इसलिए ये अलग अलग मुद्दों के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। 5 बीघा थी शायद, नहीं वो सॉरी भूल गया, मैंने अभी वापस चेक की थी, टोटल 17 बीघा जमीन है। वहाँ के हमारे लोकल क्षेत्र के लोगों को जितना रोजगार एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, उतना ही लोकल को ठेकेदारी का भी अधिकार का, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर से आकर आपने चाइना से आकर वो काम करके अपने यहाँ का लोकल आदमी काम नहीं कर सकता क्या? तो पिछली बार आपने जिंक प्रबंधन पर खुलेआम आरोप लगाए थे, तो ऐसा क्या लग रहा है कि जिंक प्रबंधन ही चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था, या क्या विषय था? सिंहदेश्वर कला में एक प्लांट लगाया है, वो 1 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए, उन्होंने 400 मीटर के ऊपर लगा करके गैर कानूनी रूप से ये है जो मतलब काम कर रहे हैं। तो इन दोनों जनप्रतिनिधियों तक आपने पहुंचने की कोशिश नहीं की कि ये हमारा विषय है, इस पर भी आप भी हमारा साथ आइए? सत्ता आएगी, सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है। आज अब सत्ता में आने के बाद चुप क्यों? हम तो ये चाह रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं, ऐसे होता ना, दीप्ति जी धरने पर भी तब आप नहीं आए। इन दिनों रेलमगरा दरीबा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में दिखाई देता रहा है, अलग अलग मुद्दे वहां से निकल कर आते हैं, कई बार बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं अलग अलग मुद्दों के साथ, अपनी मांग का पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हैं, उसमें अलग अलग गंभीर आरोप भी दिखाई देते हैं। आज एक बार पुनः राजसमंद जिला मुख्यालय पर उन्हीं पुराने कुछ आरोपों को लेकर एक रिमाइंडर देने की कोशिश की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि हमारे वो जो तमाम आरोप थे, हमारा जो पूरा ज्ञापन था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और साथ ही कुछ नई चीज़ें भी इसमें जुड़ी है, कुछ नए विषय भी इसमें जुड़े हैं, तो उस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। शंकर जी हमारे साथ है, कैसे क्या आना हुआ आज राजसमंद? हमने जो पूर्व में जो हमारा मांग पत्र दिया था एनओसी के बारे में, जो मामले रुके हुए थे उसके बारे में जो साहब से बात हुई है, और कलेक्टर साहब ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक हमारी बात सुनी, और माननीय SP साहब ने भी हमारी बहुत सहानुभूतिपूर्वक बात सुनी है। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान जिंक गैर कानूनी काम बंद करे, बाव क्षेत्र में जो इन्होंने एनओसी दी है 3 हेक्टेयर की, वो तत्काल निरस्त हो, और हमारे जो क्षेत्र के अंदर जो जिस जगह इन्होंने दिए, इतनी सी बरसात हुई उसके अंदर है जो भयंकर है, जो मतलब पानी का वो है जो मतलब ठेठ भोपाल सागर तक जा रहा है, वो भी मामला हमने उठाया है। इसके अलावा क्या है कि जो इन्होंने एक सिंहदेश्वर कला में एक प्लांट लगाया है, वो 1 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए, इन्होंने 400 मीटर के ऊपर लगा करके गैर कानूनी रूप से ये है जो मतलब काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जो एक गवर्नमेंट कंपनी, अभी उसमें 50% हमारे शेयर हैं गवर्नमेंट के, उनसे गलत कानूनी रूप से ये है जो मतलब ये एनओसी ले रहे हैं, तो उससे क्या है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार को भी नुकसान हो रहा है, क्यों ये तो प्राइवेट है। पर इसमें आप शंकर जी आप अलग अलग आरोप तो लगा रहे हो, पर पिछली बार आप लोग सब ज्ञापन देने आए थे, उसके बाद जब मैंने वो चर्चा की थी, तो कुछ लोगों ने मेरे को ये फीडबैक भी दिया कि ये जनता की लड़ाई तो कम है, खुद की लड़ाई ज़्यादा है, सरकार चली गई है तो अब इनको ज़्यादा वहाँ पूछा नहीं जा रहा है, थोड़ी प्रभाव कम पड़ गया है, तो अब अपने पूछ बनी रहे, इसलिए ये अलग अलग मुद्दों के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। हम शुरू से जनता की आवाज़ हमारे जब कांग्रेस शासन थी तब भी उठाई, और तब ये मामला था कि हम माननीय CP साहब से बात करते, CP साहब जनता का काम कर देते थे, अब जब सत्ता नहीं रही है तो प्रशासन से मांग करना पड़ेगा, कोई बुरी बात तो नहीं है, काम तो हम उस समय ही कर रहे थे, पब्लिक की मांग उस समय ही उठाते थे, लेकिन उस समय हमारे माननीय CP साहब हमारे काम कर देते थे पब्लिक के लिए। जब जब पब्लिक के ऊपर हमला होगा या जब जब पब्लिक के ऊपर ये हिंदुस्तान जिंक कुछ भी करेगी, तो हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करेंगे और आगे भी उठाएंगे ये मामला,
ये थोड़ी एक सत्ता आएगी, सत्ता तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन लोगों के काम करने हैं तो हमारे को आगे आना पड़ेगा। और फिर कह रहे हैं अगर हिंदुस्तान जी इस ढंग से जो मतलब ये करती रही और लोगों के ऊपर जाति कर रही, दादागिरी और प्रशासन के बलबूते पे काम करना चाहेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इसकी। तो ये देखिए शंकर जी हैं, हालांकि इसके पीछे कई ऐसी गणितें बताई जा रही है, क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद काफ़ी फोन आए कि टेंडर के भी कई इसमें पेच हैं, उन पर भी बात करेंगे, वो प्रधान साहब से बात करेंगे। उस पहले सरपंच साहब, जन सरपंच प्रतिनिधि खड़बामने खड़े हैं और आज सुनने में ये आ रहा है कि एक कोई नया विषय और लेकर आए हैं खड़बामने पंचायत से जुड़ा हुआ, जो कि हिंदुस्तान जिंग में उस पर भी कोई आरोप लगाया जा रहा है। विषय तो पुराना ही है, एक साल पहले मैंने ग्राम पंचायत से इनको हिंदुस्तान जिंग को ग्राम पंचायत की शर्तों पर एक एनओसी दी गई हिंदुस्तान जिंक एलोए के नाम से। उसमें ये था कि संबंधित जो गांव है शिवपुरा, वहां के हमारे जो 30 जो कार्यकर्ता हैं, मतलब गांव के जो ग्रामीण हैं, उनके युवाओं को रोज़गार देने की बात थी। और ग्राम पंचायत के राजस्व गांव में निर्माण कार्य का जो इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, उस समय विनोद जी जागीर थे, तो उनसे मैंने मौखिक और व्यवस्थित बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें इतने इतने जो काम है आपके विकास के भी कर देंगे और ये एम्प्लॉयमेंट भी दे देंगे। अब ये मेरे को पिछले 3 महीने से गुमराह कर रहे हैं, रोज़ बुला रहे हैं। मैंने इनको एक लेटर भी दे रखा था, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूँगा, तो इसमें मैंने एनओसी निरस्त करने की बात भी कही। तो तब से ये मेरे को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक संतोषजनक एक भी काम हो नहीं पाया है। और रही बात जो कंस्ट्रक्शन जो करने हैं गाँव में, तो उसमें सिस्टम ये है कि इनका अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ या काम चालू ही नहीं हुआ। जब तक ग्राम पंचायत में काम चालू नहीं हो, इनका लाइन निकल जावे या पाइपलाइन निकल जावे तो, और फिर मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, और मेरे जो कार्यकाल का जो समय है, तो लोगों के सामने जो मैंने एग्रीमेंट किया था और जिनके विश्वास पे हमने एनओसी दी, वो एनओसी अगर मैंने दी है और उसके अगर अनुरूप काम नहीं हो पाया तो मुझे भी तो लोगों को जवाब देना है। ये आज एक अलग विषय निकल कर आया है। सरपंच साहब, आप मुझे बताओ, पिछली बार जब आप आए थे आप लोगों ने एक, क्योंकि वो जो ज़मीन का मामला था वो आपकी ही ग्राम पंचायत राजपुरा क्षेत्र का था, तो उसमें आपने बताया था कि एक जगह आवंटित आनंद फानंद में कर दी गई है, अब उस पर आज आप मिले हो तो क्या कुछ बात हुई है? अभी मिले जो यही बात हुई थी साहब, कुछ पहले आए थे उस समय हमने कलेक्टर साहब तो वापस यही बात करने के लिए आए थे कि भाई हम वो एन ओ सी को निरस्त कराने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो बातचीत चल रही है। लेकिन वो 17 बीघा ज़मीन है राजपुरा पंचायत की, जो अभी कोरोना की जब उस समय लॉकडाउन लगा था उस समय कलेक्टर साहब ने अलॉटमेंट कर दी थी। अच्छा, आचार संहिता, आचार संहिता में अभी आचार संहिता में 5 बीघा थी शायद पहले तो, नहीं वो सॉरी मैं भूल गया, मैंने अभी वापस चेक की थी, टोटल 17 बीघा ज़मीन है। 17 बीघा इसमें। अब आखिर में प्रधान साहब, ये विषय हालांकि मैं कई बार यहाँ ज्ञापन कवर करता रहा हूँ, ज्ञापन देते हैं, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि लोग रिमाइंडर के लिए भी आ रहे हैं कि हमने जो मांग उठाई है, जो विषय उठाया है, उसका प्रशासन क्या कर रहा है अभी? क्योंकि जो वो जो जगह जो इन्होंने अलॉट करी है वो गलत करी है, इसीलिए ग्रामीणों में भी आक्रोश है। और पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से लोग बागों ने आगे चढ़कर और खुद के खर्चे पर यहाँ लोग बाग आए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। अभी हमने कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन भी दिया, कलेक्टर साहब ने कहा हाँ यार ये तो गलत हुआ। और जो जो शंकर जी ने पिछली बार बताया था कि जो ये तो 500 बीघा की लड़ाई है, तो ये तो 17 बीघा में इन्होंने टेस्ट किया है, तो वो बात सही थी। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि नहीं यार वो मैंने बाकी फाइलें सारी रोक दी है, तो आप लोगों ने अच्छा जागरूक एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों ने काम किया, तो मुझे भी संज्ञान मिला और मैंने भी वहाँ पर दिखवाया, तो मुझे लगा कि नहीं वो गलत काम कर रहे हैं कंपनी, तो हमने दूसरी फाइलें सारी रोक दी है। तो ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि प्रशासन ये कह रहा है कि आप लोगों ने एक सही विषय उठाया है और सही हमारे संज्ञान में चीज़ लाए हैं, तो पिछली बार आपने जिंक प्रबंधन पर खुलेआम आरोप लगाए थे, तो ऐसा क्या लग रहा है कि जिंक प्रबंधन ही चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था या क्या विषय था पूरा? क्योंकि आप जब देखे होंगे कि ये लगभग मैंने पिछली बार बताया था, पी यशवंत जब कलेक्टर थे उस टाइम से फाइल चल रही है, और जब लास्ट में जब लगा था कि अलॉटमेंट होने वाली, तो हमने खुद ने स्वयं ने हीरालाल जी सरपंच साहब ने मैंने सीबी साहब को बोलकर जब पूर्व में जो कलेक्टर थे तब हमने ये फाइल को उस टाइम भी रुकवाई थी। जब हमें पता लगा कि यार ये वापस चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ये, तब हमने 28/2 को आपत्ति भी दर्ज कराई और 30/3 को आनंद फानंद में आचार संहिता के अंदर अलॉटमेंट कर दी। जबकि आचार संहिता के अंदर उसमें अपने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी है, उसके अंदर मतलब एक एलोकेट भी नहीं कर सकते ज़मीन, फिर भी आनंद फानंद में ऐसा क्या हुआ जो कर दी? और अभी मतलब वो ये सुनने में आया कि अभी ये जो ज़मीन है उसके पैसे भी अब जमा हुए हैं। अच्छा, ठीक, ये भी सुनने में, ये भी कल साहब से डिस्कशन किया तो बोला कि नहीं यार वो इन्होंने गुमराह किया, जिंक प्रबंधन ने गुमराह कर बोला कि हम तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं टेलिंग डैम को, जबकि वो टेलिंग उस काम करे उससे आपत्ति नहीं, कोई भी काम करे उससे आपत्ति नहीं, पर वो ज़मीन जो है कोड़ियों के भाव में मतलब कंपनी ने
हैं, अलॉटमेंट करा दिया, नाम रोजगार दिया। हमारा लड़ाई है रोजगार को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर। आपने अलॉटमेंट करी कर दी तो आप रोजगार देते, राजपुरा को बुलाकर बात करते। आज जनप्रतिनिधि कोई बोल नहीं रहा, तो बहुत बात ये हो रही है। जब जो सत्ता पक्ष है, जब विपक्ष में हुआ करते थे तब तो खूब आवाज़ उठाते थे। आज ऐसा क्या हो गया, आनंद फानन में 2 महीने में जगह भी अलॉटमेंट हो गई, एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिया और कोई बोल नहीं रहा है। तो हमारी लड़ी उस चीज़ में सत्ता की बात कर रहे हैं आप, टेलिंग का भी विषय आया। तो एक इसमें बड़े मज़ेदार, पिछली बार मैंने वीडियो बनाया उसके बाद लोगों के फीडबैक आए थे, उसमें एक दो फीडबैक ये भी थे कि ये लड़ाई ना जनता की है ना क्षेत्र की है, ये व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेंडर के आसपास घूम रही है। जब आदित्य प्रताप सिंह जी या शंकर लाल जी या कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके इससे पावर था, उनके पास टेंडर थे, तब चीज़ें सब बढ़िया थी, तब किसी को पर्यावरण की चिंता नहीं थी, लोगों की चिंता नहीं थी। आज चीज़ें बदल गई है तो ये चिंताएँ जाग रही है। मैं बता देता हूँ कि मैं प्रधान तो अभी 2020 के दिसंबर में बना, मैं उससे पहले तो एक नागरिक ही था और मैं हिंदुस्तान जिंग में आज से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, पहली बात ये रही। और कोई प्रधान बनने के बाद मैंने कोई काम नहीं लिया, और मेरा तो अधिकार है, मेरा वहाँ से जुड़ा हुआ नागरिक। अगर मैं तो कहता हूँ वहाँ के हमारे लोकल क्षेत्र के लोगों को जितना रोजगार एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, उतना ही लोकल को ठेकेदारी का भी अधिकार का। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर से आकर ठेठ आपने चाइना से आकर वो काम करे, क्यों अपने यहाँ का लोकल आदमी काम नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल लोकल को रोजगार देना चाहिए, चाहे बीजेपी का आदमी ठेकेदारी करे, मैं सहमत हूँ, पर लोकल होना चाहिए। मेरी उस बात की लड़ाई है। और बात रही अपने काम की, तो मैंने बता ही दिया लोकल बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस, पहले आरोप लगते थे कि ये कॉमर्शियल कांग्रेस। आज जो ये दोनों नेता दोनों एमएलओ के इर्द गिर्द घूमने वाले, कॉमर्शियल बीजेपी वहाँ ठेकेदारी कर रही है, तो अब कॉमर्शियल बीजेपी नहीं कर रही है। आरोप लगाना बीजेपी का काम है, आरोप लगाते रहते हैं। हम जनहित की बात उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। पूर्व में जब यही बीजेपी जब विपक्ष प्रति दीप्ति माहेश्वरी जी जब धरने में बैठी, ट्रेनिंग का मैटर था, उसी धरने में बैठी, तो आज क्या उनके आदमी को ठेके दे दिया, इसलिए ट्रेनिंग के मामले में वो नहीं बोल रही, इसका मतलब तो ये हो गया। ये तो राजनीतिक बात है। आखिरी में मैं यही पूछना चाहूँगा, आज आपने रिमाइंडर दे दिया, अब क्या लग रहा है आपको कि हिंदुस्तान जिंक्स प्रशासन आपसे बात क्यों नहीं करता है, वो क्यों नहीं बुलाता है? वो तो रोज़ एक दुनिया में थल लेके बैठा हुआ है कि आप आओ हम बात करते हैं, पर मैंने कहा गलत चीज़ पे नहीं। हमने कहा जो ज़मीन आप लोगों ने गलत की, अब आनंद फानन में आप लोगों ने अलॉटमेंट करा दी, मेरा आज भी यही कंसर्न है। आप काम किसी को भी दो, मेरे काम से कोई 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 डिस्कशन नहीं है। मेरे में एबिलिटी होगी तो मैं कहीं पर भी काम कर लूँगा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। और हमारे किस लोगों में होगी, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको शोभा नहीं देती है। और दोनों विधायकों से मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्र भले इनका विश्वास सिंह जी कहता है, पर उस क्षेत्र से जस्ट आगे ही 100 मीटर भी नहीं होगा वहाँ दीप्ति माहेश्वरी जी का एरिया चालू हो जाता है। तो टेलिंग डैम मैटर उस टाइम भी तो मैटर तो ये इसी का था, राजपुरा के था, तो दीप्ति जी धरने में क्यों बैठी? मैंने ये भी डिसाइड किया, दोनों एमएलए को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि ये संज्ञान अगर उन तक नहीं पहुँची या मीडिया के माध्यम से, तो मैं लेटर लिख के भेज रहा हूँ कि जो ये अहित हुआ है वो आप अगर आगे आकर, आपकी सत्ता है, आप आगे आकर उसको खारिज कराओ और आप उसमें भागीदारी निभाओ और आप श्रेय ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। ये श्रेय के आखिर में आखिरी सवाल शंकर जी से शुरू हुए, शंकर जी पे खत्म होंगे, सोमवार है, शंकर जी में बात करना भी जरूरी है। क्या आखिर में आगे क्या होगा? ये होगी सारी बातें चित्ते हो गई है, रिमाइंडर भी दे दिया है। सर मैं आप उस निवेदन का, आप जो कह रहे थे कि भाई आप विपक्ष के टाइम पे आप जो आंदोलन धरना कर रहे हैं, तो मैं हम जब हमारी सत्ता थी उस समय सिंहदेश्वर से लेकर दरीबा तक हमने जो आंदोलन धरने दिए, जब कोटली के अंदर पानी का मामला आया था तब हम सब गांव वालों ने जाकर के बाद धरना दिया, तो धरना तो ये तो जब पर ये बताओ मुझे, चलो धरने की बात हो रही है, प्रधान साहब राजनीतिक बात कर रहे हैं कि भाई ये विधायक क्यों नहीं आया, तब आपके भी तो आप लोग ही घूम रहे हो ना, तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष दिखाई देते हैं ना, आपके उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं ना, कोई बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, बस ये ऐसा लग रहा है कि दरीबा रेल मगरा की लड़ाई चल रही है। सर सबसे बड़े चेहरे आज प्रधान साहब है, सरपंच साहब है, ब्लॉक अध्यक्ष, इससे बड़ा चेहरा कौन होगा? उस एरिया का सबसे बड़े चेहरे तो यही होते हैं, और ये चेहरे है जो बराबर बड़े चेहरे तो और है, पर हम नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं बड़े चेहरे होंगे, लेकिन हमारे वहाँ क्षेत्र के रेलमगरा तहसील के अंदर प्रधान आ जाएगा, ब्लॉक अध्यक्ष आ जाएगा, वहाँ के जो स्थानीय सरपंच आ जाएंगे, इससे बड़े चेहरे हैं जो वहाँ जनता की आवाज़ उठाने वाले कौन मिलेंगे? मैं तो आज कहता हूँ हिंदुस्तान जिंग से, प्रशासन से, कि अभी भी संभल जाओ, जनता से मत खेलो, और जनता से खेलोगे तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, जनता के लिए हम खड़े हैं तो आगे भी जनता के लिए खड़े रहेंगे। ये देखिए आप जनता के लिए खड़े हैं, जनता के मुद्दों पर खड़े हैं, और खड़े होने की ये लड़ाई अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा लड़ी जाती है, अलग अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है, मगर ये इस बार ऐसा हो रहा है कि अमूमन जिंक का जिक्र बड़ा लेट आता है सरकार के परिवर्तन के बाद, मगर इस बार जल्दी आ गया है, और जल्दी आने के साथ साथ जो विषय उठाए जा रहे हैं वो अपने आप में बड़े गंभीर हैं, जिनको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि फिर वो चाहे सिंहदेश्वर कला से जुड़ा हुआ जिक्र हो, फिर वो चाहे सिंहदेश्वर की उन दरारों का जिक्र हो, फिर वो चाहे राजपुरा के उस जमीन आवंटन और टेलिंग से ख़राब होने वाली खेत और पानी का जिक्र हो, या फिर उसमें अब जो नए विषय जुड़ रहे हैं जिसमें कि खड़ मामले से भी एक एनओसी का मामला निकल कर आया है, और उन सब के बाद जो सबसे बड़ा विषय जो हर बार लगातार हम सुनते आए हैं स्थानीय लोगों को रोज़गार,
ये तमाम मामले इन दिनों मुखर होकर राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गूंज रहे हैं, राजसमंद जिला मुख्यालय पर गूंज रहे हैं, और साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अब इसमें कौन सही कौन गलत की ये लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो, चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट तरीके से सामने आ जाए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।